हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट, सिविल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं माय वन शटरिंग के टॉप 15 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज माय वन शटरिंग? तो माय वन शटरिंग में फ्रेंड्स, जो एल्यूमिनियम के पैनल्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्लैब है साथ में कॉलम प्लस स्लैब की जो कॉन्क्रीटिंग है साथ में होती है, एंड माइवन के पैनल से क्या स्मूथ एंड प्रीमियम फिनिश मिलती है, जिससे एक्सटर्नल प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कॉस्ट सेविंग भी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फोटो में फ्रेंड्स, जो वॉल पैनल्स एंड स्लैब की डेक पैनल्स रिइंफोर्समेंट वर्क हुआ है, ये इस टाइप से माइवन शटरिंग होती है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, वॉट इज स्लैब साइकिल फॉर माइवन शटरिंग? आप लोगों का जो स्लैब साइकिल होता है, एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर की जो साइकिल है, जो एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं स्लैब साइकिल। जनरली 5, 6, 8 and 10 days की जो स्लैब साइकिल होती है, जिससे माइवन शटरिंग यूज करके बहुत इजीली 4 days में हम लोग एक स्लैब की कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज माइवन शटरिंग इज बेटर देन कन्वेंशनल शटरिंग? देन आंसर इज डेफिनेटली यस। माइवन शटरिंग में जो वॉल पैनल्स एंड स्लैब की साथ में शटरिंग करने के साथ में हम लोग सब कॉन्क्रीट एक साथ में करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। बट माइवन शटरिंग जो है टिपिकल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ है, और सेम टाइप के जो रिपीटेड जो स्ट्रक्चर्स है इसके लिए ही यूज़ है। आप लोग देख सकते हैं ये माइवन शटरिंग में कॉलम एंड स्लैब की कॉन्क्रीटिंग साथ में की जाती है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेंशनल शटरिंग है, इसमें सबसे पहले आप स्टार्टर की कॉन्क्रीटिंग करेंगे, फिर कॉलम की, देन स्लैब की। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस जो है वो लेंथी प्रोसेस है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। फ्रेंड्स, जो स्लैब में फर्स्ट डे होगा उसमें आप लोग सेटिंग आउट करेंगे, डी शटरिंग करेंगे प्रीवियस स्लैब की। डे टू में क्या होगा, वर्टिकल रेनफोर्समेंट वर्क करेंगे। डे थ्री में आप लोग क्या करेंगे, वॉल पैनल्स को इरेक्ट कर देंगे। डे फोर में आप लोग क्या करेंगे, बीम डेक पैनल शटरिंग सब कर देंगे। एंड डे फिफ्थ जब आएगा, आप लोग जो स्लैब की शटरिंग कर देंगे, आप लोग रिइंफोर्समेंट कंप्लीट करेंगे। एंड डे सिक्स में जो है स्लैब की कॉन्क्रीटिंग करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टू सिक्स जो डेज है, ये स्लैब का पूरा प्रोसेस है। आप इसको जो स्लैब साइकिल है, डे वन टू सिक्स, आप ज़्यादा एंड कम अपने वर्क फोर्स के हिसाब से कर सकते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच वर्क कैन डू वन शटरिंग कारपेंटर पर डे? शटरिंग कारपेंटर कैन डू 8 square meter वर्क पर डे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, माय वन शटरिंग की कैलकुलेशंस किस टाइप से करते हैं? तो आप लोगों को जो फ्लोर एरिया होगा उसकी शटरिंग निकाल लेनी है, एंड आप लोगों को जो कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर है 2.8 to 3.5, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों की कंप्लीट माय वन शटरिंग की जो क्वांटिटी है आ जाएगी। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, व्हाट आर द कंज्यूमेबल आइटम्स इन माय वन शटरिंग? जो माय वन शटरिंग में यूज हो जाते हैं, जो रिपीट नहीं होते, तो पिन वेजेस, किकर बोल्ट, वॉल टाइज, पीवीसी स्लीव्स है, जो ये हम लोग कंज्यूमेबल है, हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। एंड 15% वेस्टेज जो पिन एंड वेजेस का रिक्वायर्ड होता है, जो यूज करने में वर्क करते समय जो वेस्टेज हो जाता है, तो आप लोगों को ये रिक्वायर्ड होगा। सेवेंथ जो क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ माय वन फॉर्मवर्क। माय वन फॉर्मवर्क जो है, कॉलम एंड बीम कंस्ट्रक्शन आर इलिमिनेटेड, वॉल एंड स्लैब्स आर कास्ट इन वन ऑपरेशन, एंड कैरिंग आउट कॉन्क्रीटिंग ऑफ वॉल एंड स्लैब्स टूगेदर, ये सबसे ज्यादा यूज है माय वन शटरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स माय वन पैनल्स कैन बी यूज्ड ऑन साइट? अप्रोक्सीमेटली 200 टू 250 टाइम्स माय वन पैनल्स कैन बी यूज्ड, बट आप लोगों को इसका केयर लेना है, अच्छे से ऑयलिंग करनी है, प्रॉपरली यूज करना है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तब आप 250 टू 200 रिपीटेशंस में यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है, नेम ऑफ माय वन शटरिंग कंपोनेंट विथ सीक्वेंस। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स, रॉकर, वॉल पैनल, टॉप पैनल, सॉफिट लेंथ, MB EB, इसके बाद में आप लोगों का जो प्रॉप्स लगेगा, उसके बाद में डेक पैनल्स, बीम की जो पैनल्स है, टॉप में जो सोल्जर्स एंड किकर्स आप फोटो में भी देख सकते हैं, तो ये माय वन के कंपोनेंट पार्ट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रॉपरली। नेक्स्ट जो टेंथ क्वेश्चन है,
रेट फॉर माय वन शटरिंग जो आप लोगों को रेट है 8,500 से 12,500 तक आप लोगों का पर स्क्वायर मीटर जो है ये रेट होता है, जो कंपनीज टू कंपनीज वेरीज होती है। एंड लेबर प्लस मटेरियल जो चार्जेस है वो 525 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है जो आप लोगों जो वर्क होता है उसमें यूज होता है। वेट ऑफ माय वन पैनल, 11th क्वेश्चन, जो माय वन पैनल है वो अराउंड 23 टू 25 केजी पर स्क्वायर मीटर जो वेट होता है एक प्लेट का पर स्क्वायर मीटर। 12th जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल शटरिंग। फास्ट सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, ब्लॉक वर्क एंड प्लास्टर इलिमिनेट हो जाता है जिसके वजह से कॉस्ट सेव होता है। एंड आप लोग यहाँ पे नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स यूज करते हैं जिसके वजह से कारपेट एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है 12th एडवांटेजेस है। 13th जो क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ वॉल पैनल, ये बहुत कॉमनली यूज होता है फ्रेंड्स इंटरव्यू क्वेश्चन। जो थिकनेस होती है वॉल पैनल की या कोई भी पैनल्स होता है माइवन का, वो 5 mm थिकनेस ऑफ पैनल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आप लोगों का क्या है वो है हाउ टू सेटिंग आउट माइवन ऑन साइट। आप लोगों को सेटिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ठेसी मारनी पड़ेगी वुडन टेम्पलेट 600 mm सेंटर टू सेंटर। एंड ये आप लोगों को सर्वेयर के ग्रिड लाइन से चेक करना है प्रॉपरली। एंड इसके बाद में वॉल पैनल्स का इरेक्शन स्टार्ट करना है। ये जो है फर्स्ट जो माइवन पैनल की स्टार्टिंग है, ये आप लोगों को इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे कि कैसे आप लोग माइवन जो है स्टार्ट करेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड फॉर माइवन स्लैब। स्लैब में फ्रेंड्स जो है फ्लो कॉन्क्रीट यूज होता है, जो फ्लोएबल कॉन्क्रीट अराउंड 550 टू 600 mm फ्लो आना चाहिए फ्लो टेबल में। तो ये जो कॉन्क्रीट है एंड जो डी शटरिंग पीरियड बहुत कम होता है, तो आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है 3 days में 67% अचीव हो जानी चाहिए, तो जल्दी आप लोग डी शटरिंग कर सकेंगे। तो होप सो फ्रेंड्स 1 to 15 जो माइवन के क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। So thank you so much friends for watching this video.